सामना लाइव न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं अशफाक अली। देखते हैं आज की बड़ी खबर। थाना जुझारकर नगर पुलिस ने 24 घंटे के अंदर ही किया अंधे कत्ल का खुलासा। आरोपी ने इंस्टाग्राम पर दोस्ती कर लड़की के होने वाले पति की थी हत्या। छतरपुर जिले के जुझार नगर थाना पुलिस ने 29 फरवरी को हुई हत्याकांड का खुलासा 24 घंटे के अंदर ही कर दिया और आरोपी को सलाखों के पीछे भेज दिया। छतरपुर SP अमित सांगी ने मीडिया कर्मियों को बताया कि जुझार नगर थाना अंतर्गत आने वाले ग्राम बिंदुपुरवा के निकट कालूराम पुरवा दरिया वाले खेत में 21 वर्षीय इंद्रपाल उर्फ गुल्लू का शव मिला था। पुलिस ने उक्त घटना की गंभीरता को देखते हुए जांच दल गठित कर मामले की जांच शुरू की और मात्र 24 घंटे के अंदर ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही आरोपी के पास से 1.315 बोर का देसी तमंचा और मोटरसाइकिल भी जब्त की। आरोपी लड़की से एक तरफा प्यार करता था और उसे लड़की की शादी रुकवाने के लिए फिल्मी स्टाइल में इंस्टाग्राम पर दोस्ती कर उसने लड़की के होने वाले पति की गोली मारकर हत्या कर दी थी। युवक की बॉडी जो है लाश सड़क किनारे मिली थी और इसकी गोली मार के हत्या की गई थी। इसमें धारा 302 के IPC के तहत प्रकरण थाना जुझार नगर में पंजीबद्ध करके विवेचना आरंभ की गई और विवेचना के दौरान टेक्निकल और ग्राउंड इन्फॉर्मेशन से पुलिस को सफलता मिली है। इसमें जो कहानी सामने आई है उसके मुताबिक जो मृतक है इसकी शादी कटहरा में रहने वाली एक युवती के साथ लगभग 1.5-2 साल पहले तय हुई थी और मनिया गांव का रहने वाला एक अन्य युवक इस युवती के लिए ऑब्सेस था और उससे जिसको हम बोल सकते हैं एक तरफा प्यार करता था और इसी भावना में आके या इसी विद्वेश में आके कि इसकी शादी कहीं और हो रही है इसने प्लानिंग के तहत इंस्टाग्राम में मृतक से दोस्ती की और इसको फिर इसको बातचीत करने के लिए बुलाया और मौका देख के इसको कट्टे से गोली मार दी। बल को इस सफलता के लिए 10,000 रुपीज का कैश अवार्ड भी मेरे द्वारा दिया गया। सर बताया जा रहा कि शादी लड़के की 2 दिन बाद थी। हाँ 2 दिन बाद उसकी शादी थी। नहीं 2 दिन बाद नहीं है, मार्च में। हाँ वही थी। अच्छा जी।